सो यो व्हाट्स अप हीरो क्लब बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरे विषय टॉप इज सब टाइटल में तुमने नजर लगे हुए आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सो क्या अभी जो है बैन हो रहा है या फिर अनबैन हो रहा है या फिर क्या सीन है, वापस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो जो थे आप लोगों ने तो 14, 15, 16 ये 3 दिन जो कि सब लोग अंदाजा लगा रहे थे 15 अगस्त तक या उसके आगे पीछे तो आ ही जाना है, एंड अभी तक भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। सो क्या बीजेएमआई परमानेंट बैन होने वाला है या फिर अभी भी कुछ चांसेस हैं कि वो वापस आने वाला है। सो आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है एंड मैं आपको सब कुछ बताने वाला डिटेल में। तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, ठीक है। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जो कि पहली बात मेन चीज रही, क्या बीजेएमआई अभी तक क्यों उसकी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। सो जैसा कि आप लोग को अभी एक मैसेज देखने को मिल रहा होगा, क्राफ्टन वालों ने एक मैसेज डाला है, ठीक है। ऑलरेडी न्यूज़ दी है क्योंकि अपडेट वगैरह दे रहे हैं वो लोग। सो उन लोग ने यही अभी तक मैसेज दिया है कि जो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग का भी ऑलरेडी उनको भी मालूम है कि गेम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, एंड हमारी जो गेमिंग कम्युनिटी है इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी के लिए कितना ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। एंड उन लोग का भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है इन लोगों ने गेम के ऊपर। सो अगर ये लोग गेम वापस नहीं ला पाते तो इन लोग का भी काफ़ी ज़्यादा घाटा है, एंड अपना तो लॉस है ही काफ़ी ज़्यादा, आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट से जो है कि कॉन्टैक्ट करने की अभी भी ट्राई कर रहे हैं, पूरी तरह से मीटिंग जैसे आप लोगों ने चली रही है गवर्नमेंट और बीजेएमआई वालों के बीच में, बट अच्छे से अभी भी जो भी ऑफिशियल बात है वो सारी बातें तो ऑफकोर्स नहीं बताई जा सकती हैं, जो कि रहता है कुछ तो, बट उन्होंने वही बोला कि वो लोग फुल ट्राई कर रहे हैं कि गेम को वापस जल्द से जल्द ट्राई करके उन लोग से और अच्छे से कॉन्टैक्ट करवा के वो लोग वापस ला सके। सो उन लोग ने तो अभी तक यही अपडेट दिया था उसके कारण। सो अभी जो चीज़ें कुछ पॉइंट्स जो वो निकल के बाहर आ रहे हैं ये सब को सिनेरियो को देखते हुए, तो वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अपना जो POV है वो भी सामने रखने वाला हूँ। सो जैसे कि आप लोग मालूम है कि जब फ्री फायर जैसे बैन हुआ था तो फ्री फायर का भी ऐसे था कि हाँ वो वापस आ जाएगा, वो कुछ ऐसी टेम्प्रेरी बैन है ये वो, काफ़ी सारी बातें उठी, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसी बात होगी जो फ्री फायर मैक्स है वो भी बैन होने को वाला है, जो फ्री फायर था वो तो बैन हो ही गया फिर परमानेंट है ऐसे होते होते। और एक्चुअली फ्री फायर का क्या सीन है और बीजेएमआई का क्या सीन है, इन दोनों में भी डिफरेंस क्या है, दोनों बैन हुए हैं तो, ठीक है। क्योंकि फ्री फायर जब बैन हुआ था उसकी कोई भी फ्री फायर वालों की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई थी कि हाँ वो लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं या कुछ भी, वो फिर एक बार गया था उन लोग की फिर अपडेट नहीं है। लेकिन पीछे वाले लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अपडेटेड रखना है एटलीस्ट, कि वो लोग अपने को अपडेट करते रह रहे हैं कि यस ये अभी वो लोग बात करने का ट्राई कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं और भी काफ़ी बातचीत चल रही है, एंड हो सकता है अभी गेम आ भी जाए। क्योंकि देखो अभी जहाँ तक सारे सिनेरियो को देख के लगता है ना कि 90% तो जो है गेम वापस नहीं आ रहा, ठीक है, कि गेम बैन है 90%, बट वो जो बाकी जो लेफ्ट ओवर 10% है वो चांसेस हैं कि अभी भी गेम जो है वापस आ सकता है प्ले स्टोर में, ठीक है। एंड आज है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि अभी भी गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है। एंड हो सकता है, देखो अभी अगर आप लोग उनसे पूछो कि भाई तभी आपको अप्रॉक्स होगी कब तक गेम आ सकता है, कि क्या रह सकता है क्या नहीं रह सकता है, ठीक है। तो अगर मैं एक अप्रॉक्स ही बात करूँ ना, सो अप्रॉक्स आप लोग समझ लो कि अपन भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट और बीजेएमआई वालों के बीच में जो बात हुई है तो वो लोग उन लोग के बीच में बात है, ठीक है। सो अपन ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कितना टाइम लिया होगा उन लोगों ने गवर्नमेंट ने, मतलब बीजेएमआई वालों ने गवर्नमेंट से, ठीक है। सो आप लोग को ये तो अपन नहीं बता सकते, ऑफकोर्स आपको मालूम ही है। एंड अगर बात रही है अगर गेम बैन हो चुका ही है अभी वापस नहीं आने वाला तो अभी तक कैसे चल रहा है, कब तक चलने वाला है। तो देखो अगर गेम की परमानेंट बैन है सो वही चलेगा गेम कुछ 20 दिन और चलेगा, 20 दिन या 1 महीना मैक्सिमम जहाँ तक चलेगा, उसके बाद तो वो सर्वर्स भी धीरे 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 और ऐसे डाउन होना चालू हो जाएंगे। बट अभी भी गेम चल रहा है तो वो जो 10% है ना उसमें इसी कारण से वो 10% है क्योंकि अभी भी गेम चल रहा है, कोई सर्वर डाउन नहीं हुआ है, आप लोग को मालूम है कोई भी आप नेटवर्क से खेल सकते हो अभी, क्योंकि लास्ट टाइम पबजी जब बैन हुआ था, ठीक है, तो तब आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वर डाउन हो गए सारे नेटवर्क्स के, लेकिन अभी कोई भी सिम पे आप खेल सकते हो। एंड अभी तक ऐसा एक भी सिम के साथ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ कि आपके मोबाइल में नहीं चल रहा है। सो देखो चांसेस तो अभी भी हैं, ठीक है। तो अपने को बस क्या रखना है, अपने को बस फिंगर क्रॉस रखने हैं, अपने फिंगर क्रॉस हैं एंड होप करेंगे अपन गेम जल्द से जल्द वापस आ जाए। सो अगर गेम वापस आता है सो आई थिंक अगर अभी भी अपन थोड़ा बहुत एक्सबॉक्स लगा ले तो देखो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर तो गेम आ जाना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक कि ये लोग वापस से गेम को बनाने के पीछे जो इतने ज़्यादा पैसे खर्चे किए, करोड़ों डॉलर जितने भी इन लोगों ने खर्चे किए हैं, ये लोग अभी वापस खर्चा करेंगे, आई डोंट थिंक, ठीक है। और ना ही मतलब दूसरा गेम इनको बनाना पड़ेगा। और ये जो गेम मेन अभी वापस बैन क्यों हुआ था, 90% क्यों है कि गेम वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेन जो पबजी जब बैन हुआ था क्या रीजन था,
वो एक ही रीजन था कि डाटा लीक हो रहा था। डाटा लीक अभी भी हो रहा है। अभी लोग अगर वापस से ऐसा गेम बनाते हैं कि हाँ अब डाटा लीक नहीं होगा, सो अब उसके लिए इनको वापस से बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। एंड अगर वापस से गलती करेंगे सो आई डोंट थिंक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अब वो वापस से करेंगे, क्योंकि आप लोग भी मालूम है कि इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, इंडिया की जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है बीजेएमआई के मामले में, ठीक है। बीजेएमआई पबजी जो भी कह लो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एंड अगर आप इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट्स वगैरह ले लो, कोई भी लैन वैन ले लो, अगर इंडिया की टीम रही, ठीक है, कोई भी एक इंडिया की टीम चाहती है देश के बाहर, जैसे पबजी के जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सो उसमें 50% जो वॉचिंग है तो वो किसकी आने वाली है, वो लोग वो तो आपको मालूम है। सो विजय वाले भी इतने आसानी से हार तो नहीं मानने वाले, इतने आसानी से गेम को तो जाने देंगे नहीं। सो अपन ये चीज़ जो है रख के थोड़ा सा अपने मन में विश्वास रख सकते हैं, यस गेम आ सकता है। लेकिन आप बोल रहे होगे कि भाई कोई बात नहीं, पबजी के यार खेल लेंगे, ये खेल लेंगे, वो खेल लेंगे, लेकिन मेरे भाई यार आपको खेलने से तो चलो वो तो अलग बात है, लेकिन खेल तो सभी लोग कुछ ना कुछ लेंगे ही। एंड मान लो गेम वापस नहीं आता, सबके पास अलग अलग ऑप्शन भी है, फोर्टनाइट एंड अदर गेम्स के भी ऑप्शन हैं जो कि अभी नए नए आ रहे हैं, सो अपन ऑफकोर्स वो तो लोग ट्राई करेंगे, लेकिन इस लेवल पे कॉम्प ही नहीं। इंडिया में जो ग्रो हो रही थी ना गेमिंग कम्युनिटी, इस लेवल पे आपको ऑडियंस आई डोंट थिंक कि कोई भी गेम पे अभी के लिए तो बिल्ड होना इतना आसान है, ठीक है। अपन वो ये देखो पीसी गेम्स में बाकी ऑडियंस जाती है, लेकिन अगर मोबाइल गेम की बात आए तो बीजेएमआई के अलावा बहुत ही कम गेम्स हैं जिनके ऊपर की हमारी जो ऑडियंस है बाकी ऑडियंस है वो देखना पसंद करते हैं। पोकेमॉन यूनाइट ले लो, अभी ये एपेक्स लेजेंड ले लो, एंड भी और अदर गेम्स है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बोनस चीज़ ये बता दूँ कि जैसे आप लोग मालूम है कि पबजी न्यू स्टेट, आप लोगों से काफ़ी लोग सोच लेंगे यार पबजी न्यू स्टेट खेल लेंगे, पबजी न्यू स्टेट में क्या ही है, वो तो चलो वो एकदम सेफ है, लेकिन नहीं 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 अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो आपका ज़्यादा गलत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पबजी न्यू स्टेट है 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कभी ना कभी तो उसका भी ऐसा टाइम आएगा कि वो भी बैन हो जाएगा। बताओ क्यों? अब आप लोग बोल रहे हो भाई उसको क्यों लाड़ो, उसको क्यों तोड़ा बीच में? क्योंकि मेरे भाई वो जो है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, वो जो पबजी न्यू स्टेट था, यदि आप लोग प्ले स्टोर में आप पहले सर्च करते होंगे बीजेएमआई बैन से पहले, सो आप लोग दिखा था पबजी न्यू स्टेट, लेकिन अगर आप अभी सर्च करोगे न्यू स्टेट तो आपको खाली न्यू स्टेट दिखाएगा, ठीक है। आई थिंक पबजी जो है वो हटा दी गया, सो वो क्या रीज़न है आप लोग समझ गए, कुछ तो झोलमाल है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो लोग कुछ पॉलिसी वॉलिसी पहले चेंज कर दे, कुछ तो ऐसा कर दे कि डाटा लीक ना हो, बट आई थिंक उसका भी गेम बहुत जल्द बजने वाला है, सो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी उसका गेम बजना ही है। सो देखते हैं गाइस क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट, बाकी हम होप ही कर सकते हैं, बाकी तो जो भी रहेगा अपने को मालूम चल जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आपके जो ओपिनियंस वाला कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं ब्रांड न्यू वीडियो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, बाय गाइस, जय हिंद।